नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं आपके साथ ज्योति राघव। स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। अलवर में कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने महंगाई राहत कैंप में बांटे गारंटी कार्ड। मंत्री ने की स्थानीय प्रशासन द्वारा व्यवस्थाओं की प्रशंसा। मंत्री का पूर्व प्रधान रोहिताश चौधरी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश कौशिक, एपीपी रामतार चौधरी, तपन कौशिक ने किया स्वागत। कोई भी रोकता है, हाथ भी देता है, तो मिलने का एक हमारा कर्तव्य है। तो मैंने आकर के देखा कि सभी विभागों में बहुत बहुत से काम हो रहे हैं, जनता को लाभ मिल रहे हैं। जब हम वहाँ से सस्ते में आज कर देखा तो आठ योजनाओं से जुड़े हैं, तो आठ आठ नौ नौ योजनाओं से जुड़ रहे हैं लोग। चिरंजीवी बीमा से जुड़ रहे हैं, चिरंजीवी स्वास्थ्य से जुड़ रहे हैं, उज्ज्वला योजना जो गैस सिलेंडर 500 का मिलेगा उससे जुड़ रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन से, विकलांग पेंशन से, ये सारी एकल पेंशन है, पालनहार पेंशन है, बिजली बिल फ्री है, किसान मित्र योजना का है, यूनिट फ्री है। इन सारी योजनाओं से जुड़ने का काम महंगाई राहत कैंप हो रहा है। अजमेर में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और इकाई अध्यक्ष दिनेश चौधरी व पुलिस में हुई झड़प। कार्यकर्ताओं ने लॉ कॉलेज का मुख्य द्वार किया बंद। चारदीवारी, प्रोजेक्टर व पार्किंग सहित विभिन्न मांगों को लेकर दिया धरना। बीकानेर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला पहुंचे लॉ कॉलेज के वार्षिकोत्सव सरगम 2023 में। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विधि व न्यायिक सेवाओं में बीकानेर का प्रभावी वर्चस्व है। यहां के युवा सिविल सेवाओं में भी चयनित हो सके, इसके मद्देनजर विभिन्न संस्थाएं आगे आए और अच्छे कोचिंग प्रारंभ करें। अलवर के मुंडावर में गौरक्षक दल ने विशाल भगवा रैली का किया आयोजन, जिसमें भगवा रैली को रेणागिरी धाम के स्वामी बालका देवाचार्य महाराज एवं भाजपा नेता इंद्र यादव समाज सेवी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रैली परशुराम मंदिर से मुख्य बाजार से होते हुए एसडीएम कोर्ट तक पहुंची। जयपुर में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 नंदनी गुप्ता की शानदार घर वापसी। मैरियट होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में नंदनी ने कहा, ये वास्तव में एक अद्भुत एहसास, घर वापस आओ और न केवल अपने माता पिता के गौरव को बल्कि शहर के गौरव को भी बनाए रखना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा रावतसर क्षेत्र में लगाए गए महंगाई राहत कैंपों का पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल ने किया निरीक्षण। आमजन को कैंपों में मिलने वाली राहत के बारे में दी जानकारी। आमजन मुख्यमंत्री की इन योजनाओं से नजर आए खुश। राजस्थान सरकार द्वारा जो राहत कैंप चलाए जा रहे हैं, उसमें राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा जनता में जो राहत दी जा रही है, ये कैंप लगे जा रहे हैं पंचायतों में भी और नगर पालिका वार्ड वाइज। तो आज मैं खुडा ग्राम पंचायत के कैंप अटेंड किया मैंने, और उसके बाद में धन्नासर का कैंप अटेंड किया और रावसर का वार्ड नंबर 7 में कैंप अटेंड किया, लोगों से रूबरू हुआ। इस कैंप को देख करके और कैंप का जो प्रभाव जो हो रहा है एरिए के अंदर, वो बहुत ही उत्साह है लोगों के अंदर। महिला सबसे ज़्यादा आगे आ रही हैं, अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा रही, जो सरकार की 10 जन कल्याणकारी जो योजना है उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए जनता में लोगों में उत्साह है। और साथ में माननीय गहलोत साहब के गुणगान कर रही है जनता की, गहलोत साहब ने हमें बहुत ही अच्छी सौगात दी है, हमें हर क्षेत्र में चाहे 500 रुपये का गैस सिलेंडर हो, फ्री में राशन किट मिल रही हो और 100 यूनिट बिजली फ्री हो, 500 रुपये का सिलेंडर और 2000 यूनिट ट्यूबवेल की हो, इस तरह की ये हमारी जो 10 योजना है, कामधेनु योजना, बीमा है, चिरंजीवी योजना है, इन योजनाओं का लाभ जनता ज़्यादा से आगे बढ़ करके रजिस्ट्रेशन करवा के उठाना चाह रही है और कांग्रेस के साथ जुड़ना चाह रही है। झालावाड़ में बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन। जिला प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। पदाधिकारियों ने आगामी उपभोक्ता भंडार के चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और सहकारी समिति के अधिकारियों पर घपलेबाजी का लगाया आरोप। चलेरा में सबसे भयंकर गड़बड़ झाला हुआ है, न तो हमें कोई मालूम पड़ा कि चुनाव है, न इन्होंने विज्ञप्ति जारी की और बिना विज्ञप्ति के चुनाव करा दिए गए, और फॉर्म भी एक नया नहीं भरा, पुराना फॉर्म सही, इनकी मनमर्जी करके जिनको सदस्य रखना उनको सदस्य रख के इन्होंने फॉर्म वहाँ लिस्ट जारी की है, और वो लिस्ट भी आज तक हमें नहीं मिल पाई कि किन किन के नाम है इसमें। लिस्ट मांगने पर अधिकारियों ने मना कर दिया कि हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है, न हमारे पास कोई फॉर्म है, जब हम नए फॉर्म भरने के लिए आए तो उन्होंने फॉर्म देने से मना कर दिया। साइबर पुलिस थाना सिरोही के नेतृत्व में हुई बैठक। ऑनलाइन साइबर ठगी को लेकर दी जानकारी। होटल एसोसिएशन के सदस्य एवं सीएलजी सदस्य भी रहे मौजूद। जो वर्ड है इसमें लोगों के पास में कैशलेस वाला ये इतने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं या सोशल मीडिया का जितना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है उतने ही साइबर क्राइम्स जो है वो बढ़ रहे हैं, और हमेशा जो मोडस ऑपरेंडी है वो चेंज होती रही है।
जो साइबर करने वाले हैं, स्पेमर्स हैं या ये फ्रॉडस्टर हैं, वो नए नए तरीके ईजाद करके और लोगों को मनोवैज्ञानिक तौर पे उनको तोड़ करके ये पैसा उनसे ऐंठते हैं। माउंट आबू में आदिवासियों का उमड़ा जन सैलाब, नक्की झील के घाट पर आदिवासी लोगों ने किया अस्थि विसर्जन, पूनम को आदिवासी लोगों का महाकुंभ मेले का होगा आयोजन। टोंक में एलएचवी एएनएम ने जिला मुख्यालय के सादत अस्पताल के बाहर किया धरना प्रदर्शन, जिला प्रमुख सरोज बंसल ने भी धरना स्थल पर आकर राज्य सरकार की नीतियों को कोसा। पदस्थापित 65 से ज्यादा एलएचवी और 850 के करीब एएनएम ने कार्य बहिष्कार कर हड़ताल का किया आयोजन। एएनएम की हड़ताल जो हो रही है आज पूरे राजस्थान में, ये हड़ताल पे है और हम देख रहे हैं कि यही नहीं, पूरे हर विभाग के कर्मचारी, चाहे सरपंच हो, सेक्रेटरी हो, पंचायत राज के पूरे अधिकारी गण हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी, आज सभी हड़ताल पे है। हम देख रहे हैं कि जो राजस्थान सरकार है उससे कोई संतुष्ट नहीं है, न अधिकारी संतुष्ट है, न कर्मचारी संतुष्ट है, न जनता संतुष्ट है। आज इनकी समस्याओं को देखें तो इनका कहना है कि इनका कभी प्रमोशन आज दिन तक नहीं हुआ है, और न इनकी जो ग्रेड है कभी 3600 की 3600 ग्रेड है, 2400 जो ग्रेड है वो 2400 की 2400 है, कभी आगे नहीं बढ़ी है। तो इनके जो हर चीज से जो असंतुष्ट है, आज हर हम देख रहे चिकित्सा इतनी प्रभावित हो रही है, आज ये लोग स्ट्राइक में है तो गाँवों में जो चिकित्सा है वो प्रभावित हो रही है, सिटी में प्रभावित हो रही है, हर वर्ग प्रभावित हो रहा है। तो हमें इसको लेके आगे हम राजस्थान सरकार से बात करेंगे। ये हमारी जो एनएम और एलएचवी है इनकी जो पदनाम है, फर्स्ट तो ये चेंज करवाना है, दूसरा हमारा ग्रेड पे चेंज करवाना है, तीसरा जो हमारा प्रोबेशन जो काफ़ी सालों से अटका हुआ है ये प्रोबेशन हमें चाहिए। इसके लिए हम दिनांक आज 1/5/2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ से जुड़े मंत्रालय कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर राजस्व कर्मचारियों को छोड़कर 10 अप्रैल से सामूहिक अवकाश पर चले गए। पदोन्नति जैसी 11 मांगों को लेकर 14 सितंबर 2021 को हुए समझौते को लागू नहीं करने तक आंदोलन रहेगा जारी। बीकानेर में राजस्थान शिक्षक संघ 18 सूत्रीय मांगों को लेकर निदेशालय के आगे पहुंचा धरने पर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव के नाम निदेशक को सौंपा ज्ञापन। प्रदेशव्यापी आंदोलन की भी दी चेतावनी। 4 अप्रैल को निदेशक महोदय को ज्ञापन दिया गया कि शिक्षकों की 18 सूत्री मांग, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थर्ड ग्रेड टीचर के ट्रांसफर पॉलिसी बनाकर, प्रयोगशाला सहायक जो लगभग पूरे राजस्थान में 2 से 2500 तक हैं, वो वाइस प्रिंसिपल, व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक तक बने हैं, उनको ACP का लाभ नहीं मिलना। हमारी जो वेतन विसंगति 2007, 2008 और 2013 के शिक्षकों की है, उस वेतन विसंगति को दूर करना, हमारे जो गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को लगाना है जिससे पूरा शिक्षक समाज व्यथित है, गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को लगा करके हमारा ध्यान अध्ययन से भटकाया जा रहा है। और हमारी सबसे महत्वपूर्ण जो मांग है वो छात्र संख्या में माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न कर, नए पदों का सृजन करना, नई नियुक्तियाँ करना, अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों का कैडर अलग बना करके संविदा में जो सरकार नियुक्ति कर रही है इस संविदा नियुक्ति पर रोक लगाई जाए, स्थाई जो पद हैं वो भरे जाएं, लगभग 1.25 लाख जो पद हैं DPC करने के बाद जो रिक्त हैं उनकी वैकेंसी निकाली जाए, चुनावी साल है उसमें सरकार को लाभ मिलेगा, और द्वितीय और तृतीय श्रेणी की विगत 2-2.5 वर्ष से जो DPC नहीं हुई है उसकी प्रक्रिया आरम्भ की जाए। कोटा में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और महिला स्वास्थ्य दर्शिका ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। कोरोना काल में कई सालों से बिना वित्तीय भार की मांगों को लेकर राज्य सरकार से कर रही थी मांग। अजमेर के अराई में सांदोलिया ग्राम पंचायत का IT सेंटर पर आयोजित हुआ महंगाई राहत शिविर, विधायक सुरेश नाक, उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव, तहसीलदार हनुमान प्रसाद बैरवा, नायब तहसीलदार हिम्मत सिंह, विकास अधिकारी पुरुषोत्तम पारिक सहित अधिकारी व कर्मचारी रहे उपस्थित। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालरापाटन विधानसभा के दर्जनों गांवों का किया दौरा, लोगों की समस्याओं से हुई रूबरू, महिलाओं ने ओढ़ाई साड़ी, वसुंधरा दांगी समाज के विवाह सम्मेलन में भी हुई शामिल। चित्तौड़गढ़ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने दशराम गोस्वामी समाज, बामणिया बंजारा समाज के सामूहिक विवाह में नव दंपतियों को दिया आशीर्वाद, पंचकुंडीय महायज्ञ में लिया साधु संतों का आशीर्वाद, देश प्रदेश की खुशहाली के लिए की प्रार्थना। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयुष मंत्रालय द्वारा योग महोत्सव 2023 का किया गया आयोजन। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि योग कोई थेरेपी नहीं बल्कि आत्म विकास का सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने कहा मानसिक शांति एवं संतोष के लिए योग सर्वथा उपयोगी।
झुंझुनू के सूरजगढ़ में पशु चारे की ट्रॉली खाली करते समय करंट लगने से अधेड़ की हुई मृत्यु। पुलिस और जीवन ज्योति रक्षा समिति टीम मौके पर पहुंची, शव का पोस्टमार्टम करा, परिजनों के सुपुर्द कर मामले की जांच की शुरू। तो गांव बड़ौदा में गौशाला के पास ट्रैक्टर ट्रॉली से ट्रैक्टर ट्रॉली खाली करते वक्त एक व्यक्ति करंट लगने से मौत हो गई, जिसकी लाश को CHC सूरजगढ़ में मोर्चरी में रखवाया जाकर पोस्टमार्टम करवाया गया। उनके परिजनों ने रिपोर्ट दी है, जिस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलवर के खेड़ली क्षेत्र का एकमात्र मुस्लिम भारतीय सेना का NSG कमांडो कमरुद्दीन खान हुआ सेवानिवृत्त। लोगों ने ढोल बाजे से माला साफा पहनाकर किया भव्य स्वागत। कमरुद्दीन को सेना में कई पदकों से भी सम्मानित किया जा चुका है। सिरोही में शिवगंज महोत्सव मनाया धूमधाम से। दुनिया को अपनी कला से हंसाने वाली भारतीय शिवगंज की अपनाएं देख हुई भावुक। देश की ख्यातनाम हास्य कलाकार भारती सिंह को देखने व सुनने उमड़ी हजारों की भीड़। फटाफट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश TV और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश TV।